वेलकम टू दिस चैनल। मैं सिर्फ डॉक्टर टी एन देवनाथ, डॉक्टर मॉडर्न मेडिसिन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई कॉलेज आपको अलॉटेड हुआ है तो कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता देते हैं। इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कि आपको लेने में एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, लेकिन जो डिसीजन होगा वो प्योरली आपका डिसीजन होगा और आपका फैमिली मेम्बर्स का जो डिसीजन होगा वो प्योरली उन्हीं के डिसीजन पर आप अपना डिसीजन लीजिए। ये वीडियो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपना फ्रेंड और जो फैमिली मेम्बर से उनके पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको उनको भी थोड़ा सा नॉलेज मिले कि अपना बच्चा को कॉलेज में भेजना है या नहीं भेजना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेरे तरफ से अगर आप ओपिनियन मानेंगे, अगर आपको पालामू या दुमका मेडिकल कॉलेज मिला है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट को मेरा कमेंट आया है कि हमको पालामू मिला या दुमका मिला है, हमको नहीं पता है उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, तो हमको उस कॉलेज को लेना चाहिए या फिर हम ड्रॉप दे के फिर दोबारा प्रिपेयर करें। तो इसे देखिए, दोबारा प्रिपेयर करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास वो जुनून है कि हमको अच्छा मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ाई करना है, हमको उस जो प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए वो टाइम मेरे पास है, जो एनर्जी है वो मेरे पास है, और अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट पे आपको दुमका पालामू मेडिकल कॉलेज मिला है और आप चाहते हैं कि बेहतर करना, जैसे बहुत लोग का ये सपना होता है कि ये रांची का रिम्स में पढ़े या फिर जो एम्स का जो होता है डिफरेंट कॉलेज उसमें पढ़े, तो आपका ये प्योरली आपका डिसीजन होगा। आपके पास अगर ये जुनून है कि आप कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, आपके पास पैसा है और आपके पास एनर्जी है और आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप दोबारा अटेम्प्ट ले सकते हैं। इसमें कोई ख़राब चीज़ नहीं है, आप ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट दो तीन बार ट्राई कर चुके हैं, उनको नहीं मिल रहा था, इस बार पालामू या दुमका मेडिकल कॉलेज मिला है, तो उन लोगों के पास कोई भी ज्वाइन नहीं करने का कोई भी रीज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि पालामू हो या फिर दुमका हो या फिर हजारीबाग हो, ये तीनों नया मेडिकल कॉलेज है। तीनों मेडिकल कॉलेज में जो रैंक और कट ऑफ थोड़ा नीचे जाता है, तो डेफिनेटली अगर आपको मिल रहा है वो कॉलेज तो डेफिनेटली ले सकता है, क्योंकि एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑलमोस्ट तीनों पेरिफेरल मेडिकल कॉलेज जो है ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि 100% सेम तो नहीं हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। आपका जो बेसिक नीड है, बेसिक क्राइटेरिया है, वो फुलफिल किया हुआ है या फिर ये फुलफिल किया जाएगा, उसी के बेसिस में ही एफिलेशन मिला है। इसलिए पिछले बार एफिलेशन नहीं मिला था क्योंकि वो लायक नहीं था, वो जो स्टैंडर्ड था वो स्टैंडर्ड अप टू द मार्क नहीं था। इस बार भी थोड़ा सा कम था, लेकिन एक डेडिकेशन के बाद, बहुत सारा प्रयास के बाद ये एफिलेशन दिया गया है, क्योंकि ये प्रोमिस किया गया है जो मिनिमम स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन किया जाएगा। तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। कॉलेज ऑथोरिटी ये देखेंगे कि क्या आपको चाहिए, क्या मिनिमम क्राइटेरिया आपको होना चाहिए, एटलीस्ट इतना आपको मेंटेन किया जाएगा। तो डेफिनेटली इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो चाहे वो पालामू हो, चाहे वो दुमका हो, चाहे वो हजारीबाग हो, चाहे वो और कोई पेरिफेरल मेडिकल कॉलेज हो। इसमें देखिए, हार्ड सब्जेक्ट का जो टीचर होता है वो आपको बेहतर नहीं मिलेगा, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है, क्योंकि एक कॉलेज में हर टीचर अच्छा नहीं हो सकता, एक कॉलेज में हर टीचर बुरा नहीं हो सकता, हर सब्जेक्ट में हर जितना भी फैकल्टी रहेगा एक जैसा फैकल्टी होगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको कोई टीचर अच्छा लगेगा, दूसरा किसी स्टूडेंट को, दूसरा कोई टीचर को अच्छा लगेगा, तो ये वेरिएशन हमेशा ही रहेगा। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पे बताने का कोशिश करेंगे, देखिए जो भी है आपका जो एग्ज़ाम होगा, आपका जो डिग्री होगा, जो सर्टिफिकेट होगा, वो अल्टीमेटली आपका यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगा, जो कि आपका MBBS लिखा रहेगा, चाहे कोई भी कॉलेज से करे, चाहे वो रिम्स से करे, चाहे वो जमशेदपुर से करे, चाहे वो और पेरिफेरल मेडिकल कॉलेज पालामू दुमका से करे, इसमें आपका जो डिग्री है वो MBBS लिखा रहेगा, सबका MBBS लिखा रहेगा। तो इसमें जब आप, अब इसका फ़ायदा कहाँ मिलेगा, देखिए इसका ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, सब बराबर है, आप चाहे कोई भी कॉलेज से, क्योंकि हर कॉलेज NMC का रिकॉग्नाइज कॉलेज होगा, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ पे होता है हम आपको बताते हैं। अगर आप कोई अच्छा कॉलेज से पढ़ते हैं, एक तो एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा होता है, एटमोसफियर अच्छा होता है, सर्कमस्टेंसेस अच्छा होता है, सीनियर्स अच्छा होता है, तो आपको जो ट्रैक है वो बहुत अच्छा मिलता है, आपका जो फ्यूचर है, देखिए फ्यूचर MBBS ही आपका फ्यूचर नहीं है, ये आपका प्रेजेंट हो गया,
आपका फ्यूचर है MBBS के बाद, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, आप सुपर स्पेशलिस्ट बनेंगे, तब आपका जो है आपका करियर बनेंगे वहाँ पे आपका फ्यूचर बनेंगे। तो जो स्टूडेंट को अच्छा कॉलेज मिलता है उसको एक अच्छा ट्रैक मिल जाता है, जो कि उसको PG हो या फिर DM हो, ये सब क्रैक करने में आसान हो जाता है। लेकिन जो पेरिफेरल कॉलेज होता है उसमें एक्चुअली उस तरह का माहौल नहीं बना रहता है, उसमें आपको बहुत अच्छा सीनियर नहीं मिलेगा, उस तरह का एटमोसफियर नहीं मिलेगा जो हर लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग PG के बारे में बात कर रहे हैं, उस टाइप का माहौल वहाँ पे नहीं बनता है। ये एक डिसएडवांटेज है। अदरवाइज सिर्फ MBBS के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो आप जितना भी पेरिफेरल कॉलेज में क्यों ना हो, क्योंकि एडुकेशन आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको खुद से करना होगा। और अभी एक इम्पॉर्टेंट ये है, बैकग्राउंड ये है कि आपको एडुकेशन के लिए सिर्फ कॉलेज में ही डिपेंडेंट होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म है और ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया में ये सब प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो आप पलामू में बैठ के यूज़ करें या फिर रांची में बैठ के यूज़ करें, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस होता है आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, आपको यूज़ करने का मन है कि नहीं, या फिर आपको कोई मोटिवेट किए कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि अभी देखिए, अभी फर्स्ट ईयर में एनाटोमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री आप रिम्स रांची में भी पढ़ेंगे, आप पलामू में, दुमका में रहेंगे तो वहाँ पर भी पढ़ेंगे। हो सकता है कॉलेज का जो टीचर है उनका क्वालिटी कॉलेज टू कॉलेज डिफरेंट होगा, लेकिन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे ऑलमोस्ट जो है मोस्ट फैकल्टी जो होता है बहुत अच्छा फैकल्टी होता है, वही लोग पढ़ाते हैं। तो आप रांची में बैठ के जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप दुमका पलामू में बैठ के भी सेम एनाटॉमी फिजियोलॉजी सेम टीचर से आप पढ़ सकते हैं। तो आपको एडुकेशन के बारे में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना है कि आप पेरिफेरल मेडिकल कॉलेज में हैं, सेंट्रल मेडिकल कॉलेज में हैं, आपको जहाँ पे भी मिला है, आपको लेना लेने का मन है, रिपीट करने का मन नहीं है, तो बिल्कुल आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए और बाकी जो आगे फ्यूचर है उसका प्लानिंग कीजिए। जैसे रांची में बैठ के लोग प्लानिंग कर रहे हैं, ले रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इसको यूज़ कर रहे हैं, आप भी इसको यूज़ कीजिए, तो आपको पेरिफेरल और सेंट्रल रांची का जो है इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। हम बता रहे इंफ्रास्ट्रक्चर में डेफिनेटली कोई ना कोई जगह में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एडुकेशन के मामले में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी एक सेंट्रलाइज्ड हो गया, क्योंकि इंडिया का हर कोने कोने का आदमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहा है, आपका नेट का कोई इशू नहीं है, हर जगह में मिल रहा है। तो आपको एडुकेशन के बारे में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ आपको मन होना चाहिए कि हम पढ़ेंगे, आगे जाएंगे, PG क्रैक करेंगे, DM करेंगे, ये आपका सपना होना चाहिए। अगर ये ऐसा है तो आप बिल्कुल कोई भी कॉलेज है आप ले सकते हैं। लेकिन हम ये बात बोल रहे हैं, अगर आप रिपीट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप गो कर सकते हैं, कि अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट पे मिल गया हो, आप चाहते हैं कि बेहतर कॉलेज मिले, आपका थोड़ा रेपुटेशन हो, ये अलग बात है, अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन जिसको मिला है उसको मन नहीं है दोबारा रिपीट करने का, तो डेफिनेटली वो कॉलेज आप ले सकते हैं। आपको डिग्री यूनिवर्सिटी देगा, डिग्री में हर कॉलेज का डिग्री में आपको MBBS लिखा रहेगा, इसके प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा। डिफरेंस होगा आपका PG क्रैक करने में, ऐसा भी बहुत होगा जो रांची में पढ़े हुए हैं उसका PG नहीं हुआ, लेकिन जो पलामू में दुमका में बैठे हुए हैं वो लोग पढ़े हैं उसका PG निकल गए। तो लाइफ में सक्सेस कौन होगा, ऐसा नहीं है कि जो रांची में रहेगा वही सक्सेसफुल होगा, पेरिफेरी में भी रह के आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, बिंदास आप ले सकते हैं। अगर आप कॉलेज हो सिलेक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। यहाँ पे खाने पीने का बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि अपना ही स्टेट है, हर कोने कोने में आप जाने आने का आपका वो है, व्हीकल से सब कुछ है, तो आप जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, अपना ही स्टेट है इसमें। इसमें लेने के लिए कोई भी कॉर्नर में हो आप लेने के लिए, आपको हमको नहीं लगता इतना बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। तब तक थैंक यू सो मच।